होश में आओ, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एलजी प्रशासन होश में आओ, एलजी प्रशासन होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। 2000 में कम नहीं, 26000 में कम नहीं, 2000 में कम नहीं, 26000 में कम नहीं, हमारी मांगे पूरी करी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो। सर आज हम NHM का जो है वो यहाँ एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मेरी कुछ बहनों की मुझे कॉल आई थी कि हमारे साथ आप आइए, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि सामाजिक कार्य कोई भी हो मैं हमेशा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ, और ख़ास करके जब बात मेरी बहनों की हो, हमारे औरत समाज की होती है, तो उसमें हमेशा मेरा यही अहम रोल रहता है। हमारी ये एक डिमांड है, जेन्युइन डिमांड, कि हमारी जो NHM की बहनें पूरा महीना सर्वे कर करके इनको सिर्फ 2000 एक इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है। हमारी सरकार से ये डिमांड है कि कम इनकी जो तनख्वाह है एक तनख्वाह के रूप में इन्हें कम से कम 26000 दिया जाए, क्योंकि NCD डिपार्टमेंट, गोल्डन कार्ड, आभा कार्ड, पूरी तरह ये पूरे दिन ढूंढ ढूंढ के लोगों के घर सर्वे कर करके लोगों के दरवाजे खटखटा के, और ऊपर से लोगों का रवैया भी ऐसा होता है कि कई लोग दरवाजे भी नहीं खोलते हैं और सामने से मना कर देते हैं कि हम ID कार्ड या अपना आधार कार्ड जो है आपको नहीं देंगे। इतनी जलालत भी सहने के बाद भी ये हिम्मत नहीं हारती हैं और हमेशा अपना काम जो है पूरी तरह से करती हैं। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि सरकार इन्हें सिर्फ 2000 रुपये इंसेंटिव के रूप में देती है। आज अगर देखा जाए एक सिलेंडर की कीमत जो है 1200 रुपये है, 1170 होती है, 1200 होती है, 1200 से ज़्यादा छलांग मारता है। पिछले दिनों में देखा होगा आपने 200 रुपये किलो जो है टमाटर बिकते हैं। तो आप बताइए, मेरी ऐसी कुछ बहनें हैं जिनके सर पे घर वालों का साया नहीं है, अपने पति का साया नहीं है, उनका धर्मधारा जो है वो 2000 से चलता है। अब वो 2000 में अपने बच्चों की ट्यूशन फी पूरी करेगी, बच्चों का खाना पूरा करेगी, उनके कपड़े पूरे करेगी, स्कूल फी पूरे करेगी। हमारी सरकार से ये डिमांड है कि कम से कम जो इनका हक है, जो इनका जेन्युइन हक है, 26000 कम से कम जो इनकी सैलरी दी जाए। हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात कहना चाहते हैं कि आज जो हमने प्रोटेस्ट किया वो शांतिपूर्वक किया है। इसके बाद अगले फ्राइडे या सैटरडे को हमारा प्रोटेस्ट जो होगा एक प्रोटेस्ट के रूप में हम रैली निकालेंगे। जब तक सरकार हमारी डिमांड पूरी नहीं करती है तब तक ये हमारे प्रोटेस्ट जो हैं चलते रहेंगे। छोटी सी रैली निकाली है, एक प्रोटेस्ट शुरू किया हमने, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारी मंथली जो है इन्होंने अशोर रखा है 2000, 2000 से हमारा काम नहीं बनता घर में। जैसे 2000 में हम क्या क्या कर सकते हैं, बच्चे पढ़ाने हैं, घर का सिस्टम है, कैसे चलेगा 2000 में। कई ऐसे लोग हम में जो 2000 पे ही डिपेंड हैं, तो 2000 से आज नहीं चलता। कम से कम हमारी अली साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी एक पे मुकर्रर किए जाए, जो भी मंथली हमें मिले वो एक बराबर एक बार जो मंथली मुकर्रर की जाए तो वही हमें मिले। जैसे अशोर्ड हो गया ये 2000, उसमें कभी हमें 1000 आता है, कभी 1400 आता है, कभी 1700 आता है, वो 2000 हमें मंथली पूरा नहीं मिलता। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है एलजी साहब से। ऐसे तो हर जगह हमारे नारे लगते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो लेकिन बेटियाँ जब रोड पर घूम रही हैं तो इनको क्यों नहीं देखा जाता, इनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती। इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर की बेटियाँ रोड पर उतरी हैं, इनकी जो भी ये कह रहे हैं इस वक्त पे के लिए, तो वो उनको मुकर्रर की जाए। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमें इंसेंटिव मिलता है 2000 से हमारे घर का गुजारा नहीं चलता, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी एक सैलरी लगाई जाए जिससे हम अपने घर का खर्चा चला सकें। तो हम बहुत मेहनत करते हैं, हमें उस हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं दिया जाता। 2000 से क्या बनता है, 2000 से तो कुछ नहीं बनता, उससे क्या घर का हम खर्चा चलाएँगे। तो इससे अच्छा हमें सब बोलते हैं कि ये क्या आप काम करते हो, इससे अच्छा तो आप किसी दुकान में लग जाओ, वहाँ 7-8 हज़ार देते हैं। इतनी मेहनत करते हो, आपके इतनी मेहनत के बावजूद आपको कुछ नहीं दिया जाता, आपको अपनी मेहनत के पैसे भी नहीं दिए जाते। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें सैलरी लगाई जाए। आप खुद समझदार हो कि 2000 से आप भी अपने घर का खर्चा चला सकते हो क्या, जो हमें बोलते हो हम चलाएँ, हम कैसे चलाएंगे। हमें थोड़ी सैलरी लगाई जाए हमारी, जो जिस हिसाब से आप चाहते हो उतनी ही लगाओ, लेकिन हमारी सैलरी होनी चाहिए, हम बहुत मेहनत करते हैं। तो